स्टार्ट। हेलो, मैं विशाल चौहान, मैं धानी पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं और इस समय मैं दो ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहता हूं जो करीबन 10 साल के बाद हमारे स्कूल में आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपने सर को, मनीष सर को बुलाना चाहता हूं ताकि वो उनके बारे में कुछ बताएं। सबका वेलकम और सबका स्वागत है हमारे स्कूल परिसर में। जैसा कि विशाल ने बताया कि हमारे सामने ऐसे दो ऐसे विद्यार्थी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहले पढ़ाई करते थे और उस समय इन्होंने क्लास 5 तक यहाँ पढ़ाई की और आज अचानक से वो दो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। तो उनको देखने के बाद हम भी सरप्राइज हो गए कि आप इतने बड़े हो गए और काफी अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो कि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद से उनको देखिए, उसके बाद फिर मैं परिचय कराऊंगा आपसे। प्लीज कम। ये बच्ची है निशा, ये यहाँ पर पढ़ाई करती थी जब ये बहुत छोटी थी और इसने क्लास 5 तक यहाँ एजुकेशन लिया था। तो हम निशा से जानते हैं कि निशा, तुम अचानक से ऐसे स्कूल में आई हो, तुमको क्या फीलिंग हुआ, कैसा लगा और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी हैंडराइटिंग आज भी वैसी है जैसा तुम यहाँ पर लिखती थी, जैसा जैसा तुम्हारी हैंडराइटिंग उस समय थी। तो तुम बताओ तुमको कैसा लगा और अपने हैंडराइटिंग के बारे में कुछ बताओ, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। आज हम फाइनली 10 साल के बाद यहाँ आए गए। उतना दिन से आने का सोचे थे बट आ नहीं पा रहे थे, यही सोच रहे थे कि सर हमको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। बट आज मैंने जैसे ही सर का पैर छुआ, सर दूर से ही निशा रानी पहचान गए। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर अभी भी, मतलब एक नजर देख के 10 साल के बाद देखने के बाद भी सर को एक बार भी नहीं हुआ कि अरे ये कौन बच्चा है, ये वही बच्ची है निशा रानी, नेम के साथ पूरा टाइटल के साथ याद था सर को। और हमको नहीं लगता है कि अभी भी मेरा वही राइटिंग होगा जो पहले था। पहले सर थे, सर के गाइडेंस में थे तो ऑब्वियसली मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था पहले, पर अब हमको नहीं लगता है कि कभी भी पहले जो राइटिंग था वो अभी हो सकता है, क्योंकि अब कोई ऐसा बोलने वाला भी नहीं था। जैसे उतना स्कूल में मैंने पढ़ा, जेवियर कॉलेज गया, बहुत जगह पे गया, पर ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं कि इस पे ध्यान दो या उस पे ध्यान दो। सर पर्टिकुलरली हमको नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा तेज है उसको बोलना, वो है उसको नहीं बोलना। सर ने सबको ही कहा और सर सबको इंडिविजुअली सबको कहते थे, सबका ध्यान रखते थे, पर आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। और आज जब मैं यहाँ आई तो देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ बहुत चेंज हो गया था, सब कुछ बहुत चेंज हो गया था इन अ गुड वे, कि पहले जो भी था प्रैक्टिकल लैब बन गए थे, सब कुछ बहुत एडवांस वे में हो रहा था, जो मैंने दूसरे स्कूल, मतलब बहुत दूसरे टाउन के स्कूल या फिर दूसरे जगह के स्कूल में भी इतना लैब फैसिलिटीज नहीं था जितना यहाँ है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा स्कूल ग्रोथ कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं कभी भी अपने स्कूल की हेल्प कर पाऊँ इसकी ग्रोथ में। तो फाइनली आज हमको आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और फिर ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है अपना इमोशंस को, तो मैंने कंट्रोल किया और बहुत अच्छा लगा आके सर से मिलके। लग रहा था कि कोई बहुत स्वर्ग में आ गए सर से मिलके, ऐसा लग रहा। तो बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहूंगी मैम। और हमारे सामने एक बच्ची और है जिससे हम परिचय कराना चाहेंगे। निशा ने बहुत अच्छी बात कही, निशा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद भी नहीं था कि निशा यहाँ पर आएगी और हम शायद उसको इस रूप में देख पाएंगे। इतने छोटे में देखा था, क्लास 5 में वो पढ़ते थे, उसका वो पुराना चेहरा हमको याद था। एक और बच्ची है जो उसी क्लास में